चप्पल घर में है ना, तो पहन के क्यों नहीं आते हो? क्या करती मम्मी? मारती है मम्मी। मम्मी मारती है, पहन के जाएगी। चप्पल है ना। लोग कहते हैं पिटबुल जो है खतरनाक डॉग होता है, मुझे कहाँ से खतरनाक है भाई ये। सिम्बा तू आ जा मेरे पास, आ जा तू आ जा। आज हुआ तेरे साथ से। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों दिन की शुरुआत हो चुकी है, टाइम हो रहा सुबह के 12:30 बज रहे हैं। मैं तो शैंकी को दवाई खिलाने छत पे, शैंकी को अपनों ने दवाई खिला दी। अपने क्या करते हैं सुबह होते ही ना, मम्मी जो है दोनों डॉग को छत में जो है बांध देती है, तो ये धूप में ही रहते हैं सुबह का टाइम। बाकी दवाई मम्मी से खिलाई नहीं जाती, बाहर निकाल देता, मैं जो है खिला देता हूँ। तो मैं तो छत में अभी नहाऊँगा धोऊँगा, उससे पहले थोड़ा टाइम पास जो है डॉग के साथ किया है। बड़े दिन हो गए इनके साथ जो है WWF करी नहीं मैंने, तो आज करता हूँ मैं। तुझे भी खोलूँ? दिखा। फिर मार खाओगे ना जब तुम ये ऐसे करते हो ना। रुको यार, चलो ले 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 ले। सिम्बा। आज हुआ तेरे साथ सही। खा, आजा खा। आज सही हो रहा है इसके साथ। खाना भी तो नहीं खा रहा, खाता अपना ये शैंकी। आज दांत मैंने इसका रूप लेगा आज असली। शैंको क्या हुआ? जा तू साले गोद में आ रहा, अब जा खा खाना, खा उसका खाना। अब झपट के दिखा। अब जाके दिखा जा। आज शैंकी को क्या हुआ यार? आज शैंको क्या हुआ? शैंको खा ले। शाबाश। ले सिम्बा इधर मत, यू काट देगा। सिम्बा एक टुकड़ा मिल गया उसे, एक टुकड़ा मिल गया उसका। क्यों उसका, तूने अपना खाना खा लिया तो क्यों कर रहा उसके साथ? जा उसका खा लिया तो है। अभी नहीं ऐसे कुछ नहीं कह रहा, खाना खाते समय कहता। आओ आ जाओ इधर आओ। सिम्बा इधर आओ। नहीं क्यों करना बाबू, करने के लिए भी लड़ रहे हैं भाई। हाँ। अरे साले दाढ़ी काट रहा है वाला। अरे साले दाढ़ी नोच रहा है तो यार, साले दाढ़ी नोच रहा है पागल। खांसी ठीक होगी इसकी पहले से, दो दिन में ही फर्क पड़ेगा। खा लेना फिर, साले कर रहा ड्रामा, उसको खाने भी नहीं दे रहा, फिर खा भी नहीं रहा। सिम्बा तू आ जा मेरे पास, आ जा तू आ जा। सिम्बा। लोग कहते हैं पिटबुल जो है खतरनाक डॉग होता है, मुझे कहाँ से खतरनाक है भाई ये। बनाना पड़ता है ऐसे खतरनाक, इसे फैमिलियर बनाना पड़ता है। तो तुम्हारा भाई हो गया नौ दो के रेडी,
हाँ तुम्हारे भाई ने बड़े टाइम बाद ही शर्ट पहनी है। शर्ट मतलब मैं पहनता नहीं हूँ कपड़े यार, रख लेता हूँ संभाल के। मैं सोचता हूँ 2-4 साल बाद जब शादी हो जाएगी तो पहनूंगा। साला आज कैसे रहे। संभाल के रखा हूँ मैं बिल्कुल संदूक में, संदूक में। कहाँ पहुँच गया बाबा? तो दोस्तों अपने जा रहे हैं रुद्रपुर, बाबा आ रहा मुझे लेने। आदि आ रखा अपना भाई, छोटा भाई अपना हल्द्वानी से, तो रुद्रपुर वेट कर रहा हो और अपने वहीं पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन आ गए लालपुर, गाड़ी अपनों ने खड़ी कर दी पेट्रोल पंप पे। अपने जो है बाबे का वेट कर रहे हैं क्योंकि उसने भी कहीं जाना है और वैसे भी हम ज़्यादा हो जाएंगे बंदे। ज़्यादा क्या, अभी 2 ही बंदे, मतलब उसने जाना है कुल मिला के 3 बंदे हैं, 2 गाड़ी। उसके बाद 4 बजे बाद मैं अपनी गाड़ी यहीं से उठा लूँगा, खड़ी कर दी है पेट्रोल पंप पे लालपुर। हम बाबा आ रहा है लालपुर, वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अपन जो है निकल चुके हैं लालपुर से, उड़ान भर दी है हमने रुद्रपुर की और अपने जा रहे हैं रुद्रपुर मॉल के पास। मॉल के पास खड़ा आदि भाई है, एक भाई आ रखा है शेरा, शेरा भाई आ रखा है। एक बार देवेंद्र से कहता कर रहा है यार मेरे चक्कर में करो तुम, कोई कलेश हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, रुद्रपुर पहुँच के देते हैं आपको टच, बताते हैं। रुद्रपुर मेन मार्केट पहुँच गए हैं, तो आप पीछे से यहाँ से सर मेरा जो है लुक देख सकते हैं। आशू अन्ना जा रहे हो हिंदुस्तान इतने। दिस इज माय फ्रेंड आदित्य नेगी, जिनसे जिनसे मैंने आपकी जो है जिनका कारोबार जो आईटीआई की फंडिंग होती है आईटीआई आदित्य मोमोज, मैंने आपको जैसा कि आपने देखा हमारे ये सेठ जी है, ये सेठ जी हैं, ये इनके बगल में दुकान है, स्टैंडर्ड के बगल में इनकी शॉप है। किसी शॉप है, ये थोड़ी सी शॉप है, मेन फंडिंग यही करते हैं आईटीआई गैंग की। आईटीआई गैंग ये ब्लॉग में जरूर डाल देना, इस आदमी की शक्ल दिखानी पड़ेगी। मैं मां कसम मैं डाल दूंगा, इस आदमी की शक्ल मैं डालूंगा, आप मैं छोड़ूंगा नहीं, आईटीआई की फंडिंग डालूंगा। ये मोमो का ठेले लगा के फंडिंग हो रही है आईटीआई गैंग की। मैं डाल वो बनाएगा वीडियो वीडियो लसाली तू बना दे, वो बनाएगा आईफोन दे दो। हमारा केक जो केक कट हो रहा है शेरा भाई के आने की खुशी में कट हो रहा है, क्योंकि शेरा भाई जो है हमारा बड़े घर से आया। इनकी भी दुबई फाइल लगी थी, गलत लग गई थी फाइल, तो उसमें करेक्शन हुई, फिर उसके बाद वापसी हुई भाई। खाओ खाओ। आ जाओ। लो हो गया, नया गाड़ी वॉश कराने। दोस्तों गाड़ी कराने लगे हमने वॉश, गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो रही है अंदर तक, अच्छे से देखो इतनी साफ है कि बंदा समझ ही ना पाए धुलवाऊं ना ना धुलवाऊं। होने दो चमकने दो, फिर आपको इसके इससे रूबरू कराएंगे। दोस्तों गाड़ी हमने दे दी है वॉशिंग होने के लिए, हम जा रहे हैं मॉल में। 1 घंटा लग जाएगा वॉशिंग होने में, गाड़ी में कम ही लगेगा, फिर हम थोड़ा मॉल उन में घूमेंगे, इस वजह से 1 घंटा लगभग लग जाना है। हम मॉल में थोड़ी मौज करने जा रहे हैं, हम मिलते हैं दोस्तों मॉल में वॉच कर। तो दोस्तों मॉल आ गए हैं अपने, अब मॉल के अंदर एंट्री कर रहे हैं हम।
मैरी क्रिसमस के लिए सजावट हो रही है। आज मॉल में काफ़ी रौनक है, हर दिन से ज़्यादा है आज। बहुत बड़ी कमी है इसके अंदर भगवान का। ऐसे मुड़ता है एक बार ये। कुछ मांग रहे हैं भैया, वो डांसिंग कार बना दी उनकी। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं। दोस्तों अपन जा रहे थे हल्द्वानी रुद्रपुर से, क्योंकि जो है देवेंद्र का है बर्थडे। पहले मैं सोच रहा था अपनी गाड़ी से जाऊंगा, लेकिन पापा जी कह रहे हैं तुम मुझे छोड़ देना वहां से, गाड़ी जो है अपने पास रह लेना। ये बात भी ठीक है, तो गाड़ी लालपुर खड़ी है, उसको फिर रात को ही ले लेंगे अपने। हल्द्वानी जा रहे हैं अपने देवेंद्र का बर्थडे केक कट करवाने। सीधा गाड़ी जो है हमने डाल दी हल्द्वानी रोड पर, लेकिन यहाँ बहुत तगड़ा जो है जाम लगा हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ, जो एक रोड दिनेशपुर को जा रहा है और एक हल्द्वानी की तरफ, मैं बहुत तगड़ा जाम दिखाता हूँ आपको। अभी दिखा रहा जाम में जा रहे थे रुद्रपुर से हल्द्वानी। जैसा कि आपको पता है तीन पर वहाँ पे सुपन उस वाले मोड़ पे जाम लग रखा था, तो अपने जो है सीधा ले ली अपनों ने गाड़ी, क्या नाम है, पन्नगर से होते हुए जाएंगे लालकुआं वाला रोड पकड़ लेंगे। और ये भाई भी अपनों को मिला है, क्या नाम है भैया आपका? आशीष। आशीष पूरा बताओ। आशीष कुमार मौर्य। आशीष कुमार, ये मौर्य जी अभी हम मिले थे, ये बस को हाथ दे रहे थे, लेकिन हम जो है खाली थे, और हम तो वैसे ही खाली है, तुम्हें पता है बेरोजगार है हम बहुत वाले से रहे हैं। तो हमने भाई को बोला 10-5 रुपए दे दियो खुले जो भी है और बैठ जाए गाड़ी में। नहीं यार कोई बात नहीं, और जैसा कि दिखाता हूँ आगे के जो है नज़ारा बहुत जबरदस्त। ये पन्नगर एयरपोर्ट जो गया इधर को, तो दोस्तों अपनों ने जो है एम्बुलेंस का थोड़ा सा सहारा ले लिया है, क्योंकि ट्रैफिक हो रहा था बहुत ज्यादा, और अपनों ने फायदा उठा के एम्बुलेंस के पीछे गाड़ी लगा दी है। बहुत देर पीछे बहुत तगड़ा जाम था और मुझे बताने वाला कोई था नहीं, अब क्या करें। मैं तभी तो कहता हूँ अपने आप को कि मैं सस्ता ब्लॉगर हूँ, अगर ये बताते तो बहुत कुछ कैप्चर करने हुआ था। तो दोस्तों अपने जो है देवेंद्र के बर्थडे में पहुंचने वाले हैं, बर्थडे में क्या, देवेंद्र के घर जाने वाले हैं, केक कट कराएंगे। आधी लोग भी वहीं पहुंच रहे हैं डायरेक्ट, तो मैं भी वहीं पहुंचूंगा। जाम जो बहुत ज़्यादा लग रहा था, जाम जो है बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। लालकुआं रोड से आए हैं अपने, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा। बाकी उधर पहुँच के आपको देते हैं अपडेट। और यहाँ भी ये एक ट्रक जो है हमारे आगे चल रहा है, इसको हम पीछे छेड़ेंगे और आगे जाके नए किसी को गिराएंगे जिसका बर्थडे है। यही है वो खूखार दरिंदा दरिंदा मेरे मुंह से निकल। केक खोल लो, अरे आदि भाई केक खोल गया। अरे आपके बिना कैसे कर सकते हैं, हम तो आदि भाई का वेट कर रहे थे, बोले आना हल्द्वानी नहीं आना दोबारा। अरे फूल निकालो भाई, गाड़ी का फूल रखे हुए हैं सब निकालो। हाँ यार दिल्ली से फूल भी आए क्या?
गाड़ी की चाबी कहाँ है इसकी? अरे इसकी चाबी कहाँ है? अरे यार कोई नहीं, ब्लॉक में नाम आ चुका। अरे इसको तो दे दो यार। अरे सिप की चाबी किसके पास है? को दबा दो बटन को। और रील धोनी तो हैप्पी बर्थडे दे उन्हें। हैप्पी बर्थडे ब्रदर। इधर देख के, इधर 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 है कैमरा। ठीक है एक रख लो इसे, अगले का एक का बर्थडे हो रहा है अभी। इधर सिंगल वाला यार, जब मिटाने तो क्या था ये सिंगल, वो आगे से मिटा दिया। मैं ब्लॉग इसमें आ गया। चलो अरे नहीं नहीं एक भी मत मानना कोई सा भी भाई, मैं पहले बता दूं। एक एक मानना गलत चीज है यार। एक एक मानना अरे देवेंद्र जब हटाना था देख, इस पे भी तो देवेंद्र लिखा केक पे। उसको देवेंद्र नहीं लिखा था ना। अरे खा लो उसे पूरा। अरे खा ले भाई बिस्कुट है, फ्रू फ्रू मीठा ज्यादा हो गया वो, खा ले। क्या है? अरे केक, अरे तो केक से ही हो रहा है खाली। अरे अरे केक का नाश मारो। अरे 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 मत मारो यार। हेडशॉट। खा ले भैया। तूने कहा थी यार ऐसी पैसी मार दी यार। हो गया अब देख कौन से लेवल का करना हो गया। रुक जा आप तो देखो कौन से लेवल का होगा। रुक जा कोई ऐसा अबे थोड़ी बात नहीं नहीं बस मैंने तेरे में कराई नहीं, दोनों तरफ चला लो। मैं अकेले अच्छा लग रहा हूं। मुंह नहीं धुलना क्या भैया? कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ तो बोल रहा है। हाँ आ चला रहा है। बर्थडे टू यू। आजा फिर आदि भाई तुम भी आओ यार। आ कभी आजा आजा। जब तक कदम आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हाथ का नहीं फेंक होगे। हाथ का जब तक नहीं फेंक होगे। और किसी और में फिर देखेंगे क्या हुआ। रोज दिया जा रहा है रोज। रुक जाओ मेरी गंजी नहीं आ रही। सही है मैं वीडियो बना रहा था। लगा
अबे फोटो खिंचा लो। ब्लॉग बना रहा था ना मैं। झूठ बोलोगे तो लेके आएंगे गाड़ी में। मेरी बात सुनो। जीत नीचे उतारूंगा पहले बताओ चप्पल घर पे है ना घर पे पहन के क्यों नहीं आते हो? चप्पल घर में है ना तो पहन के क्यों नहीं आते हो? क्या करती मम्मी? मारती है मम्मी। मम्मी मारती है। चप्पल पहन के जाएगी। चप्पल है ना? चप्पल घर में है ना? और भगवान कसम हम लोग सोचते हैं कि मैं थोड़े दिन पहले भी मिला था मुझे अपने को ये लगता है कि इनके पास लग रहा है चप्पल वगैरह नहीं है और है चप्पल घर पे देख लो। और मतलब थोड़ा सा पता क्या होता है हम लोगों को थोड़ा सा अंदर से फिर अजीब सी वाइब आती है। इधर आओ इधर आओ। सच बताना गाड़ी के अंदर तुझे भी बांध लूंगा चप्पल मैं अंदर ही। चप्पल नहीं है। चप्पल है ना? एक बात बता इनके पास नहीं है चप्पल कहाँ पे इनके क्या बहुत तेज है और तेज हाई स्टैंडर्ड वाला। अरे इनको गलत बात है यार। क्यों कर रहे हैं अंडे खाने? चप्पल पहन के लिया होगा अगली बार तो और कैसे दिला दो भैया हम नहीं पहन जाएंगे। अरे जब मैं नहीं मारने वाला मेरी बात सुनो। मोमो खाओगे? मोमो खाओगे ना चाचा खिलाऊंगा यार। वीडियो लाइक करना सब्सक्राइब करना। धन्यवाद धन्यवाद। आप देखो इनको सबको जाओ ले लो इधर खड़े हो जाओ। तो दोस्तों आपने आए थे देवेंद्र के बर्थडे में और केक कटाके मेरे को थोड़ा सा काम है काठ गोदाम में। मैं एक मिनट वहाँ होके आ रहा हूँ। भाई लोग खड़े हैं एमबीबी जी के पास। हमारे भाई ने आज फिर जो है मोमोज पहन दिए और आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी। वो बच्चे ना मेरे को मैं पहले भी आया था दो तीन बार मैं कभी वीडियो बनाता नहीं इसने बना ली थी। बाकी ये है कि वो ना चप्पल अप्पल नहीं पहनते और वो ना मेरे को ऐसा लगा यार एक बार हो गया दो बार हो गया तो मैंने उससे तभी बच्चे से थोड़ा वैसे पूछा। वो डर गया बच्ची मतलब उसको लगा कि मैं वैसे लेके जा रहा हूँ। मैंने बोला मैंने उसको बिठाया अच्छे से पूछा। उसके पास था चप्पल वगैरह कह रही घर पे पड़ी है और सबके पास चप्पल थी। कह रहे थे अगली बार हम पहन के आएंगे। मैं ठीक है थोड़ा सा लगता है ना थोड़ा सा अपने अंदर ना थोड़े से अपने क्या करते हैं जैसे अपने किसी को देखते हैं किसी के पैर में जैसे कोई कुछ मांगता है हम देखते हैं उनके पैर में चप्पल नहीं है अपने ना ऑटोमेटिकली हम जो है अंदर से भावुक टाइप हो जाते हैं कि अरे यार ये मतलब इनके पास ऐसे मतलब कितने मजबूर हैं ये वो। और देखा तो कोई क्या कहते हैं वो जान पूछ के चप्पल नहीं पहन के आते यार बताओ। ठीक है मांगो कोई दिक्कत नहीं यार लेकिन क्या कहते हैं चप्पल वगैरह तो पहनो यार ठंड हो रही है इतना थोड़ा सा लगता है इसलिए मैंने उनसे पूछा स्ट्रिक्टली थोड़ा। बाकी दोस्तों मैं काठगोदाम तक जा रहा हूँ थोड़ा सा काम है आप देख सकते हैं। पहुँच के काम निपटा के फिर अपने आगे चलेगा चल केक लगाने थोड़ी हो रही है चल घर में ना ऐसा है ना उधर बहुत लगा दिया बंदा नहाएगा थोड़ा काम से जा रहे हैं अभी बहुत देर से तो दोस्तों केक अपनों ने कट करा दिया। देवेंद्र भाई का बर्थडे है तो गाइस मेरी जो यूट्यूब की जनता है वो आपसे कहने चाहती है हैप्पी बर्थडे देवेंद्र जी और सभी का दिल से धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों बर्थडे अपनों ने जो है केक जो है भाई का कट करवा दिया था। हम अपने जा रहे हैं घर को और आज आदि भाई ने अपने साथ बड़ी माड़ी करी है तो आदि भाई उसका हिसाब होगा। मत सोचना आप बच गए ध्यान रखना आज आधी किलो दही लगने से बच गई आपके ऊपर जो है आप आए नहीं किसी के बर्थडे में मिलो आप किसी के बर्थडे में मिलो
उस दिन का ड्यूरा। क्योंकि बदला जितना पुराना हो उतना खतरनाक होता है। ठीक है दोस्तों, देवेंद्र भाई को घर छोड़ के अपने निकलते हैं, घर को बने रहिए दोस्तों। दोस्तों अपने जो है देवेंद्र भाई को घर छोड़ के अपने पहुंच गए घर। घर कहाँ अपने, मतलब एक दोस्त के गेस्ट हाउस में आए हैं, आज वहीं रुके हुए हैं। तो देव भाई को छोड़ दिया, देव भाई को फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे। और क्या कहते हैं दोस्तों, बस यही कहना चाहता हूँ आज के व्लॉग का, मैं अपना एंड करता हूँ। आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ, गुड नाइट दोस्तों, शिवरात्रि शब्बा खैर, जय हिंद जय भारत। टिंग टोंग।